नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पकवान पर। दोस्तों, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ, जिसे हम इंडियन पास्ता भी कहते हैं, जिसे मैं बहुत आसान विधि से बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मैक्रोनी ली है, 2 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, 2 हरी मिर्च, 1 बड़ी शिमला मिर्च और ये थोड़ा सा पनीर है। और इसमें हम सामग्री डालने के लिए हमने नमक लिया है, लाल मिर्च ली है और टमाटो केचप लिए और ऑयल लिया है। सबसे पहले हम मैक्रोनी उबाल लेते हैं और इसको बॉईल होने के लिए पानी को रख देते हैं। अब पानी बॉईल हो गया, इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, जिससे हमारा पास्ता चिपकेगा नहीं। इसे हम 5-7 मिनट तक पकाएंगे। मैक्रोनी को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे ये नीचे ना चिपके और ओवर कुक भी ना हो। ये मैक्रोनी बॉइल्ड हो गई, इसको हम पानी में से निकाल लेते हैं। देखिए, हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल लेते हैं। अब ऑयल हो गया है, इसमें सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्च डालते हैं। इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। मैंने इसमें टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज डालिए। आपके घर जो भी सब्जी अवेलेबल हो उसको आप डाल सकती हैं। अब प्याज हमारी थोड़ी भुन गई है, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देते हैं। सब्जियों को चलो फ्राई करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा पकाने से उसका कलर खराब हो जाता है। अब इसमें हम टमाटर डाल दे रहे हैं। टमाटर के साथ ही हम इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच टमाटो केचप डाल देते हैं। अब इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे। अब ये मैक्रोनी हमारी बनके तैयार हो गई है, इसमें थोड़ा सा हम पनीर डाल देते हैं। देखिए, बनकर तैयार हो गई है हमारी पनीर मैक्रोनी। तो आप भी इसको बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।